अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए प्रैक्टिस लेके आया हूँ। ये जो आपका डी का एरिया है, ये देखें, ये अक्सर गेम में होता है जी, बॉल सेव कर करके ये सारे टेबल पे बॉल बिखर जाते हैं, रेड को इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है। ये आपका डी का एरिया है, ठीक है, ये ब्लू से इधर इधर है आपका प्रैक्टिस ये वाली। आपने क्या करना है जी, ये पांच रेड आपके पड़े हैं, ठीक है, पांच रेड पड़े हैं, वाइट अपनी मर्जी से रख लें कहीं भी डी में, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, ठीक है। आपने इन पांच रेड के साथ इन तीन कलरों से क्लेरेंस करना है। पांच रेड कर लिए, हर रेड के बाद कलर, हर रेड के बाद कलर, जब आपके रेड खत्म हो जाए फिर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पिंक, ब्लैक आपने क्लियर करना है। इससे क्या होगा, आपका ये जो डी का एरिया है ना, ये इधर वाला हिस्सा सारा, ये क्लियर हो जाएगा। किसी भी एंगल से आपको बॉल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है, और आपको आसानी होगी बॉल निकालने में। हर शॉट आएगा इसमें, स्टन भी आएगा, स्क्रू भी आएगा, फॉलो भी आएगा, साइड भी आएगी, हर चीज इसमें आएगी। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ये चेक करें आप इस रेड को, सिंपल वही अपनी अलाइनमेंट, वही हिट, वही हर चीज। ये देखें, 1 2 3 ये घंटा, ये आपने पोर्ट कर दिया, और ये येलो प्लेस, ऐसे येलो को पोर्ट कर ले, व्हाइट इधर ले आए, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इन पांच रेडों के साथ आपने इन तीन कलर ही करने हैं, सॉरी ये तीन कलर करने हैं आपने, उधर नहीं आपने जाना, ठीक है। और इसके साथ ये एरिया भी आपका पक्का होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और व्हाइट बॉल पे कंट्रोल भी आपके हाथ में आएगा, क्योंकि हर शॉट इसमें आएगा। ये सिंपल ऐसे नहीं है कि ये मेरा मतलब कि ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी ये वाली, जिसका व्हाइट पे कंट्रोल होगा ये प्रैक्टिस उसके लिए बहुत आसान होगी, ठीक है, और आपके हाथ में कंट्रोल भी आएगा, क्योंकि इससे पहले आपने जो प्रैक्टिस कर ली होगी, इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि ये आपके लिए बहुत आसान इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।